Yes sir. Okay, yeah. So So today we are going to uh, discuss the effects. So, consider uh, स्ते के एक बाजू में खड़े हो और यहाँ पे एक कार है कार के आगे एक बड़ा बड़ा वाला भोंगा लगा हुआ है और वो भोंगा जो है ना वो बहुत जोर से बज रहा है करके. ठीक है और ये जो uh, गाड़ी है ना इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है तो वो गाड़ी ऐसे आएगी लेफ्ट साइड से आएगी और राइट right साइड से आपके ऐसे करके चली जाएगी ठीक है ना ये अभी भी भोंगा आवाज करता हुआ ही जाएगा ओके, uh, सो okay. so, uh, uh, लेकिन ये आवाज करता हुआ चला जाएगा ठीक है हुआ क्या इफ यू कैन इमेजिन इफ यू कैन इमेजिन आपको आवाज कैसे सुनाई दी दूर था तब आपको एकदम कम आवाज सुनाई देती है जब दूर था आपको बहुत कम आवाज सुनाई देती है लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आना शुरू हो जाता है तो आपको सुनाई देने वाली जो आवाज है वो आवाज बढ़ना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा बढ़ती है बहुत ज्यादा बढ़ती है बहुत ज्यादा बढ़ती है देन वो आपके पास से निकल के आगे चला जाता है एंड आपका जो आवाज है ना वो बढ़ती हुई आवाज उसके बाद फिर से कम होना शुरू हो जाती है कम होना शुरू हो जाती है ये जो आवाज बढ़ के कम हुई सुनो ठीक से एकदम ठीक से समझना ये आवाज जो बढ़ के कम हुई ये सिचुएशन वन पकड़ लो ये सिचुएशन वन पकड़ लो जब ये मूवमेंट में था वो सेकंड स्टेप में वो एक जगह पे खड़ा है सिर्फ क्या कर रहा है वो अपना वॉल्यूम बढ़ा के कम कर रहा है सुनो ठीक से उसका जो भोंगा है ना ये एक जगह पे खड़ा है, जीरो है लेकिन वो एक जगह पे बैठ के अपना भोंगा बढ़ा के कम कर रहा है नाउ इफ यू ट्राई टू इमेजिन आवाज कम करके ज्यादा करता है सेकंड केस में फर्स्ट केस में आवाज उतनी ही है लेकिन दूर से वो पास आता है और फिर से दूर चला जाता है इन दोनों केसेस में जो मुझे आवाज सुनाई देती है दैट इज वे मच डिफरेंट वे मच डिफरेंट दोनों केसेस में जब मुझे आवाज सुनाई देती है वो कंप्लीटली अलग अलग है पहली केस में मुझे लगा कि दूर था तब कम सुनाई दे रहा था पास आया तो ज्यादा सुनाई दिया उसके बाद फिर से दूर चला गया तो कम सुनाई दे रहा है सो so, इसका मतलब दूर था तब मुझे आवाज कम सुनाई देती थी पास आने के बाद ज्यादा सुनाई दी उसके बाद दूर जाने के बाद कम सुनाई दी सेकेंड केस में भी तो वही हो रहा है लेकिन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ केसेस दूसरी केस में भी तो वही हो रहा है कि आवाज कम सुनाई देती है उसके बाद ज्यादा सुनाई देती है उसके बाद फिर से कम सुनाई देती है लेकिन दोनों केसेस में जो आवाज सुनाई दे रही है दैट इज वे मच डिफरेंट ये जो डिफरेंस होता है ये जो डिफरेंस होता है ये जो डिफरेंस नोटिस किया वो नोटिस किया डॉपलर ने इसलिए इसको कहा क्या क्या कहा जाता है डॉप्लरस इफेक्ट कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है डॉप्लरस इफेक्ट कहा जाता है डॉप्लर ने क्या कहा कि व्हेनेवर सेम थिंग हैपंस ठीक है सुनो सेम थिंग हैपंस कि

just about the amplitude it's about the frequency heard by the listener it's about the frequency heard by the listener or doppler ne ye put kiya doppler ne ye put kiya ki whenever suno theek se ekdam theek se sun lena whenever there is relative motion रिलेटिव मोशन क्यों सपोज कंसिडर करो कि ये भोंगा जो है वो यहीं पे है लेकिन आप उस भोंगे की तरफ भागते हुए जा रहे हो thing happens. आपको वो अलग तरीके से सुनाई देता है ठीक है ना आप दूर होते हो तो आपको कम सुनाई देता है अलग तरीके से सुनाई देता है जैसे जैसे नजदीक जाना शुरू कर देते हो आपको अलग तरीके से सुनाई देना शुरू हो जाता है सोर्स ऑफ द साउंड एंड द लिसनर ऑफ द साउंडवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द लिस्टनर ऑफ द साउंड ठीक से देन Then the frequency heard by the listener is different at each and every point. Is different at each and every point. Apparent frequency. A double -P, P, E, A, R, A, and T. Apparent frequency. Whenever there is relative motion between the source of sound and

दोनों में से एक भी अगर अलग अलग मूवमेंट uh, कर रहा है वेदर द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स यानी दोनों में रिलेटिव मोशन पॉजिटिव नेगेटिव डर वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिसनर ऑफ द साउंड एंड द सोर्स ऑफ द साउंड देन इज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द लिस्टर रिसीव्ड बाय द लिस्टर ये जो अपरेंट फ्रीकवेंसी और ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है दिस क्योंकि सोर्स जो है वो तो सेम फ्रीक्वेंसी से साउंड जनरेट कर रहा है हमें अलग तरीके से सुनाई देता है सो दिस अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट एवरी समझा ये समझा डॉपलर इफेक्ट किसको कहा जाता है सर कैसे चेंज हाँ या yeah. Is there a change in wavelength too? हाँ अब वही उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं हम उसी के बारे में अभी बात करेंगे ठीक है ना सो so, पहली केस कंसिडर करते हैं केस नंबर वन ठीक है अब देखो सारी केसेस में कौन कौन है एक सोर्स है एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है तो यहां पे ये जो है ये सोर्स कंसीडर करो और यहां पे जो है ये ऑब्जर्वर कंसीडर करो ठीक है अब सोर्स को कंसीडर करो रेस्ट पे सोर्स जो है वो रेस्ट पे है एक जगह पे है ऑब्जर्वर जो है वो जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स विध वेलोसिटी वी विथ वी ओ जा रहा एवरी वन चलेगा ठीक yes, है yes, वी ओ जा रहा है अब सुनो ठीक से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है अब देखो ये वाला जो सोर्स है उसमें से जो साउंड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी वी है साउंड की वेलोसिटी वी है सोर्स की वेलोसिटी तो जीरो ही है रेस्ट पे ही है अब होता ये है कि ये जो साउंड है यहाँ पे इसने एक साउंड जनरेट किया इसने एक साउंड जनरेट किया तो ये जो साउंड है इसका टाइम पीरियड कितना है कैपिटल टी इसका टाइम पीरियड कितना है कैपिटल टी अब ये जो कैपिटल टी का टाइम पीरियड होता है ये जब इस ऑब्जर्वर ने सुना इस ऑब्जर्वर ने सुना तो उसने उसके बाद दूसरी वेव जनरेट की अब जब ये दूसरी वेव जनरेट की तो ये जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्वर ने एक्सपेक्टेड था इस ऑब्जर्वर ने एक्सपेक्टेड था कि वो सुने उस पर्टिकुलर साउंड वेव को दूसरी वाली ये पहली पकड़ लो ये दूसरी पकड़ लो पहली कब सुनाई दी उसको ठीक है ना पहली कब सुनाई दी उसको वेलोसिटी ऑफ साउंड ठीक है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी उतनी देर बाद उसको सुन एवरीवन समझ में आ रही है बात इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एवरीवन सर हां यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन साउंड एंड इन दोनों के बीच के साउंड नहीं नहीं मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो स्पीड्स के बारे में बात कर रहा हूं दोनों की स्पीड के बारे में एकदम सिंपल सी बात है एकदम सिंपल सी बात है सुनो ठीक से एकदम एकदम अलग तरीके से सोचने की शुरुआत करते हैं ठीक है ना अलग तरीके से सोचने की शुरुआत करते हैं चलो एकदम पहले से सोर्स जो है ना वो टी टाइम में एक तैयार कर रहा है चलो एक सेकंड में एक तैयार कर रहा है चलेगा एक सेकंड में एक वेव तैयार कर रहा है। तो दो सेकंड में, में कितना तैयार करेगा दो तैयार करेगा तीन सेकंड में कितना तैयार करेगा तीन सेकंड में तैयार करेगा यानी सौ सेकंड में उसने कितने तैयार किए सौ तैयार किए ये जो ऑब्जर्वर एक जगह पे बैठा हुआ है तो एक्सपेक्टेड था कि वो भी सौ सेकंड में सौ सुने ठीक है सेकंड में सकेल्मे सुने, यानी इसने 100 सेकंड में 100 तैयार किए और ये जो ऑब्जर्वर है इसने भी 100 सेकंड में 100 सुनना जरूरी समझा लेकिन हुआ ये कि ये इस तरफ भागना शुरू किया इसने इस तरफ भागना शुरू किया तो 100 सेकंड नहीं लगे उसको उसको 100 सेकंड नहीं लगे वो तो 100 सेकंड से कम टाइम में सुनो ठीक से 100 सेकंड से कम टाइम में 100 के 100 अ को उसने सुन लिया बिकॉज़ वो अब टूवर्ड्स द सोर्स भाग रहा है डू यू अंडरस्टैंड दिस प्लीज एवरी वन ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा everyone, ये understand करना बहुत जरूरी होगा कि सोर्स एक जगह पे है और जो ठीक है ना सोर्स एक जगह पे है एंड जो ऑब्जर्वर है वो एक जगह पे है सोर्स सोर्स ने क्या किया सो सेकंड में सो वेवलेंस तैयार की ठीक है ऑब्जर्वर एक जगह पे था तो उसने उसके पास जब सारी वेवलेंस आई तो उसने भी सौ सेकंड में सौ वेवलेंस ली लेकिन अब क्या हुआ ये जब ऑब्जर्वर एक जगह पे था अब ऑब्जर्वर ने जब भागना शुरू किया टूवर्ड्स तो सोर्स जो है एक सौ सेकंड में सौ तैयार कर रहा है लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो सौ के सौ कम टाइम में कंज्यूम कर रहा है क्योंकि वो सोर्स की तरफ भाग रहा है ठीक है तो शायद वो सोर्स की तरफ इतनी स्पीड से भाग रहा हो कि सोर्स को दो वेवलेंथ तैयार करने के लिए दो सेकंड लगते हो लेकिन ये तो एक ही सेकंड में वो दोनों के दोनों खा रहा है बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स सोर्स से जो भी आ रहा है वो तो एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक, एक, के बाद एक आ रहा है आर यू गेटिंग द आइडिया वट आई एम सेइंग ठीक है सो so, वो जो होगा ठीक है ठीक से समझो कि सोर्स जो होगा जस्ट अ सोर्स जो होगा वो वहां पे स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी लैम्डा इनटू एफएस लैम्डा इनटू एफएस ये स्पीड ऑफ साउंड है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है तो t को गोल घुमा के ऊपर ले लिया तो fs यानी ये सोर्स फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है साउंड uh, का सोर्स जो है वो किस फ्रीक्वेंसी का साउंड uh, तैयार कर रहा है एफ एस फ्रीक्वेंसी का साउंड तैयार कर रहा है इज़ इज़ द वेवलेंथ ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड साउंड तो स्पीड इक्वल टू ये की पे, ये सोर्स सोर्स की की जगह जगह पे पे लेकिन जो आ, ये है तो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे FS v मिलता है, v ये कहां पे हुआ सोर्स पे हुआ, ये कहां पे हुआ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल इन एयर डिवाइडेड बाय जनरेटेड वेवलेंथ लेकिन ऑब्जर्वर जो था ऑब्जर्वर की एंड पे एफ जीरो नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो कंज्यूम करना शुरू करेगा टूवर्ड्स द सोर्स डिवाइडेड बाई लैमडा लैमडा चेंज नहीं हुआ उसका सोर्स जो जनरेट कर रहा था वो लैमड़ा चेंज नहीं हुआ लेकिन जिस स्पीड से ठीक है ना अब साउंड जो है वो जल्दी पहुंच रहा है ऑब्जर्वर के पास साउंड जो है वो जल्दी पहुंच रहा है ऑब्जर्वर के पास बिकॉज ऑब्जर्वर उसको जल्दी कंज्यूम कर रहा है ऑब्जर्वर जल्दी जल्दी उसको कंज्यूम कर रहा है इसलिए वो जल्दी जल्दी पहुंच रहा है आर यू गेटिंग द आइडिया वट एम सही ठीक है सो so,

और बाहर ऊपर कौन जाएगा एफ एस ये आया अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव हो रहा है सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दैट ऑब्जर्वर एवरीवन चलेगा यस यस सर 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 ठीक है yes, थोड़ा थोड़ा लगेगा समझने के लिए लेकिन याद रखना देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं हुआ जिस रेट से ऑब्जर्वर कंज्यूम कर रहा था वो चेंज हुआ जिस रेट से ऑब्जर्वर कंज्यूम कर रहा था वो चेंज हुआ ठीक है ये समझ लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ये अगर समझ में नहीं आया तो गया सब कुछ ठीक है टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस दूसरा वाला पार्ट बताऊंगा दूसरा वाला पार्ट पढ़ने के बाद आपको और ज्यादा कंफ्यूजन होगा आई एग्री इसलिए मैं रिकॉर्ड करूंगा रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा और एक बार देखना है ये वीडियो सब लोगों ने चलो अब दूसरी केस कंसीडर करो कि जिस केस में सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है ठीक है सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है लास्ट जो केस थी समझो ठीक से एवरी एकदम ठीक से समझो लास्ट जो केस थी वहां पे हमने स्पीड ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर कितना लिया था जीरो v v क्योंकि ऑब्जर्वर जा रहा था टूवर्ड्स ऑब्जर्वर so, uh, जा रहा था टूवर्ड्स द सोर्स तो यहां पे भी अगर मैं कहूंगा स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी इज इक्वल वी सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी प्लस वी एस क्योंकि सर अब एग्जैक्टली उल्टी सिचुएशन है क्या हो रहा है अब सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ लेकिन ये रॉन्ग है समझो ठीक से ये रॉन्ग है सर क्यों रॉन्ग है सर रॉन्ग ये क्यों रॉन्ग है ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जा रहा था तो आपने वी प्लस वी जीरो लिया तो आप सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं आप आप v vs क्यों नहीं कर रहे हो बिकॉज़ समझो ठीक से बिकॉज़ दिस कैन नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड बिकॉज़ साउंड सोर्स पे तो जनरेट हो रहा है लेकिन सोर्स के साथ भाग नहीं रहा है समझो ठीक से साउंड सोर्स पे जनरेट तो हो रहा है सोर्स के साथ भाग नहीं रहा है यानी अगर ऐसे होता कि उउंड सोर्स के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है तो उस आदमी की वेलोसिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अगर मुझे पूछी जाती तो कैन बी द डिफरेंट सिनारियो लेकिन यहाँ पे समझो ठीक से यहाँ पे ये नहीं होगा यहाँ पे जो ये सिचुएशन बोल रहा हूं ये सिचुएशन नहीं होगी द ओनली रीजन बिहाइंड जनरेट तो साउंड हो रहा है सोर्स पे साउंड जनरेट तो हो रहा है लेकिन जो ट्रैवल कर रहा है इट्स नॉट लाइक कि मैं सोर्स में से साउंड uh, को फेंक रहा हूं ठीक है यानी ये वी प्लस वी एस तब पॉसिबल होता जब सोर्स में से मैंने एक बॉल लिया और वो मैंने साउंड की वेलोसिटी से फेंक दिया तो क्या हुआ साउंड की वेलोसिटी और उसमें सोर्स uh, की भी वेलोसिटी ऐड हो गई और जो भी बॉल गया वो वी प्लस वी एस स्पीड से गया ये यहां पे सही है लेकिन वेव वेलोसिटी के सही नहीं है बिकॉज वेव वेलोसिटी के लिए साउंड इज नॉट अ पार्टिकल

रेलवे पर से बॉल फेंकना रेलवे पर से बॉल फेंकना विथ वेलोसिटी वी सो द नेट वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल विल बी वी प्लस वी एस ऑब्वियसली लेकिन सोर्स पर से साउंड जाना कैनॉट बी कैलकुलेटेड विथ दिस फिन साउंड की वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेव वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी पे सोर्स के स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता साउंड की वेलोसिटी पे सोर्स की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता आप बैठे हुए सोर्स पर से साउंड का साउंड को जनरेट करो या फिर बैठे हुए सोर्स से साउंड को जनरेट करो इट विल मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ फॉर एग्जांपल 340 मीटर पर सेकंड और अगर आप ट्रेन को भगाओ हंड्रेड किलोमीटर पर आवर से फिर भी उसमें से जो साउंड जनरेट हो फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी भी होगी 340 मीटर पर सेकंड बिकॉज सोर्स की वेलोसिटी का साउंड की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं होता फिर भी सर फिर भी हमें अलग तरीके से सुनाई देता है तो बेसिकली एफ एस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैमडा तो अगर वी चेंज नहीं हो रहा है तो कौन चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है एक्चुअली सोर्स पे जो साउंड जनरेट होता है उसका लैमडा जनरेट नहीं होता लेकिन मुझे जो साउंड सुनाई देता है उसका लैमडा से अलग होता है ऊपर वाली केस में भी ऊपर वाली केस में भी साउंड की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई साउंड जो सुनाई दे रहा था उसकी वेलोसिटी चेंज हुई एवरीवन वन ये फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी बिकॉज़ ऑब्जर्वर स्टार्टेड मूविंग सोर्स इसलिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हुई वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सेकंड केस में भी जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भागना शुरू कर देता है अब और एक बार मैं फिगर निकालता हूं यहां पे। ये सोर्स है आपका ये ऑब्जर्वर है सोर्स मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी अब ऑब्जर्वर एक जगह पे बैठा हुआ है इट इज एट रेस्ट इट इज़ सोर्स की वेलोसिटी का स्पीड ऑफ साउंड पे कुछ फर्क सॉरी स्पीड ऑफ साउंड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता सो इट विल गो विद द वेलोसिटी वी ओनली तो अब क्या होगा देखो समझो ठीक से एवरीवन क्या हुआ ये एक सोर्स था ये एक सोर्स था जिसने एक साउंड वेव जनरेट की अब देखो समझो पहले ये एक पहली वेव है और ये दूसरी वेव है ठीक है सो so, uh, ये 0.1 पकड़ लो ये 0.2 पकड़ लो तो पहली वेव और दूसरी वेव में डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा एवरीवन डू यू एग्री विद दिस यस सर ठीक है यस सर राइट सो अब हुआ ये कि सपोज यहाँ पे एक वेव जनरेट हुई मैं वेव नहीं निकाल रहा हूँ कंफ्यूजन और ड्राइंग की वजह से

सोर्स ने दूसरा वेव जनरेट करना एक्सपेक्टेड है लेकिन धिंगाना यह हुआ ठीक है धिंगाना यह हुआ कि यह जो सोर्स था वो खुद कैपिटल टी टाइम में यहां पे पहुंच गया वो खुद कैपिटल टी में यहां पे पहुंच गया और यहां पे जाके उसने दूसरा वेव जनरेट किया यहां पे जाके उसने दूसरा वेव जनरेट किया यानी ये सेकंड वेव यहां पे जनरेट हुई जबकि पहली वेव यहां पर ही पहुंची है पहली वेव यहां पे पहुंची है, तब दूसरी वेव यहां पे पहुंची यानी एक्सपेक्टेड था कि दोनों में डिस्टेंस कितना हो इतना हो लेकिन एक्चुअली दोनों में डिस्टेंस कितना है इतना है ये पहली और दूसरी वेव में ये कितना डिस्टेंस है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये टोटल यहां से लेके यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है वी इंटू कैपिटल स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल स्पीड ऑफ Uh, किसका स्पीड सॉरी कैपिटल वी स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी ये कौन सा है ये डिस्टेंस कितना है? स्पीड ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड कैपिटल कितना हुआ वी टी माइनस वी एस इंटू टी एवरी वन डू यू एग्री विद ये हमारा नया लैमडा हुआ ये हमारा नया लैम्डा हुआ बिकॉज़ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है VS सॉरी uh, VT VS T ये दूसरी वेव है ये पहली वेव है तो दोनों वेव के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ VT minus VS into T ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ ये हुआ मेरा अपरेंट लैम्डा ये मेरा अपरेंट लैम्डा हुआ तो जो फ्रीक्वेंसी अगर बंद हो जाता है तो और एक बार इसी सेम लिंक से ज्वाइन करना सो so, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी मेरे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू v डिवाइडेड बावर है मेरे पास सो so, v कितना है स्पीड ऑफ साउंड v डिवाइडेड बाय लैमडा कितना है आपका v माइनस वी एस सॉरी हाँ वी माइनस वी एस इन टू कैपिटलिटी ये वन अपॉन कैपिटल कैपिटलिटी कितना होता है एफ एस होता है सो वी अपॉन v minus vs into fs. What is fs? Frequency of sound at the source. ये apparent frequency मिली. Everyone, do you agree with this? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. कड़क. तो अब देखो सुनो ठीक से. ये source है, ये observer है. अगर observer towards the source जाना शुरू कर दे तो मुझे फॉर्मूला बताओ एवरीवन तो मुझे फॉर्मूला बताओ वी प्लस वी एस बाई बी एस बाई वी इंटू एफ एस एफ एस चलेगा तो ऑब्जर्वर अगर दूर जाना शुरू कर दे तो क्या करें माइनस वी एस यस वी माइनस वी एस ओ सॉरी सॉरी वी ओ चाहिए रहे है बच्चा वी ओ oh चाहिए ऑब्जर्वर हिल रहा है ना यस सॉरी वी जीरो डिवाइडेड बाय वी इंटू एफ एस ठीक है अब ऑब्जर्वर एक जगह पे है सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है ऑब्जर्वर एक ही जगह पे है. अब फॉर्मूला बताओ वी अपॉन वी माइनस वी माइनस इंटू एफ एस अगर ऑब्जर्व सोर्स uh, अगर दूर जा रहा है तो प्लस वी एस राइट प्लस वी एस होगा सो वी अपॉन वी प्लस वी एस इन एफ एस राइट चलेगा एवरी वन यस सर अब यहां पे देखो मुझे बताओ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से एपरेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी है कि बड़ी है कि छोटी है जो सुनाई दे रही है वो फ्रीक्वेंसी बड़ी है कि छोटी है जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बड़ी है कि छोटी है। बड़ी, है बड़ी है राइट सो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर जो है वो बढ़ी जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स जा रहा था ठीक है उसके बाद सोर्स सॉरी ऑब्जर्वर अब जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है सिमिलरली सोर्स जब नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी <coughs> फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है बढ़ रही है क्या है। हुआ है। ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी और जब सोर्स दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है यानी अगर आप चारों केसेस एक साथ देखें अगर आप चारों केसेस एक साथ देखें तो जब कभी भी ऑब्जर्वर हो या फिर सोर्स हो अगर एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ठीक है और सुनो ठीक से, और ऑब्जर्वर या फिर सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है एवरी वन डू यू एग्री विद दिस यस सर। चलो अब आगे जाते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्वर यहां पे है सोर्स सॉरी सोर्स ऑब्जर्वर यहां पे है सोर्स यहां पे है ठीक है सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है क्या दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं क्या दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं Yes, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं सो so, दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं देखो अगर ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम करता है तो वो एड हो जाता है अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम करता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो यहां पे नीचे देख सकते हो आप लोग कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं राइट right? दोनों फ्रीक्वेंसी yes, बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दोनों अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाता है वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ दिस इज द अपरक्वेंसी वेन बोथ आर मूविंग वेन बोथ आर मूविंग ऑब्जर्वर जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का काम करता है तो वो एड हो जाता है और सोर्स uh, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का काम करता है तो वो सब हो जाता है इन द डिनोमिनेटर अब आप मुझे बता सकते हो एकदम ईजी है एवरी वन आप मुझे बता सकते हो सोर्स भी दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है तो यानी ये भी फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है और ये भी फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है फॉर्मूला बताओ v V-vo वीओ डिड बाई होल इनटू fs। एब्सोल्युटली सही एकदम सही अब ठीक है तन्मय अरमान दोनों में से कोई नहीं बताएगा तीसरा कोई तो बताओ तीसरा कोई तो बताओ सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है ऑब्जर्वर दूर जा रहा है इसका मतलब सोर्स क्या कर रहा है सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए कोशिश कर रहा है फॉर्मूला बताओ सोर्स क्या कर रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की सॉरी सोर्स uh, क्या कर रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो इट शुड भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए ऑब्जर्वर जो है वो फ्रीक्वेंसी कम करना, कम करने की कोशिश कर रहा है तो न्यूमरेटर में चाहिए v माइनस वी जीरो इन एफ एस ठीक है समझो ठीक से एवरीवन समझो ठीक से अगर मैं यहां पे सोर्स और ऑब्जर्वर के बारे में बात करूं ठीक है तो दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी घटती है अगर सोर्स बढ़ाने का काम कर रहा है तो सोर्स जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, और, है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करता है और फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश अगर सोर्स करता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है सोर्स हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है और ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर में ही रहता है ऑब्जर्वर जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करे तो वो प्लस हो जाता है एंड फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश करे तो वो माइनस हो जाता है वो यानी उसकी स्पीड तो यहां पे हमने वही तो किया है तो यहां पे लास्ट वाला फॉर्मूला मुझे कोई तो बताने की कोशिश करो कि अगर दोनों सॉरी सोर्स जो है वो दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर उसको अप्रोच कर रहा है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला कोई भी बता दो

Yes, एकदम इजी बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है ये वाला याद रखो बस खत्म जा खत्म हो जाएगा ये वाला सोर्स हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है ऑब्जर्वर हमेशा न्यूमरेटर में रहता है सोर्स अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करे तो निगेटिव घटाने की कोशिश करे तो पॉजिटिव सिमिलरली ऑब्जर्वर अगर बढ़ाने की कोशिश करे तो पॉजिटिव घटाने की कोशिश करे तो निगेटिव इस पर डिपेंडेंट ये चार फॉर्मूलाज तैयार तो कहा, कहा गया ये चार फॉर्मूलाज तैयार तो हो जाते हैं अगर दोनों मूवमेंट में है दोनों में से एक मूवमेंट में है तो ये ऊपर वाले चार फार्मूलाज तैयार तो हो जाते हैं आठ फॉर्मूलाज खत्म एक टेबल पे आठ फार्मूलाज तैयार तो हो जाते हैं एक टेबल पे ये वाला टेबल याद रखोगे तो आठ फार्मूलाज तैयार तो हो जाते हैं एवरी आया समझ में फॉर्मूलाज लिख लिए फॉर्मूलाज लिख लिए कुछ डाउट है तो इसमें पूछ लो फर्स्ट केस जो है जब ऑब्जर्वर मूव होता है तो द स्पीड विथ विच साउंड गोना हर्ड चेंजेस ठीक है लेकिन अगर सोर्स मूव हो रहा है तो द स्पीड सॉरी द वेवलेंथ विथ विच द साउंड गोना हर्ड चेंजेस पहली जो केस है जब ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तो स्पीड चेंज हुई लगती है ठीक है ना सॉरी स्पीड चेंज हुई लगती नहीं चेंज स्पीड के साथ हमें सुनाई देता है लेकिन जब